आपके सिग्नेचर से आपका भाग्योदय हो सकता है, या ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके भविष्य से जुड़ी हैं या आपकी कामयाबी से जुड़ी हैं और आपके हस्ताक्षर या सिग्नेचर्स में आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। आज इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप अपने सिग्नेचर में वो सक्सेस फैक्टर कैसे लेके आए। और अगर कहूं द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर सिग्नेचर्स, तो जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी और हर हफ्ते वेंसडे एंड संडे में आपके पास लेकर आती हूं कुछ नई बातें जुड़ी हुई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और फंग शुई से। इरादा यही है कि इन जो भी टूल्स एंड टिप्स का आप अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकें कि आपको जीवन में कामयाबी मिल सके। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिग्नेचर से जुड़ी कुछ और बातें और वो फैक्टर्स कैसे ले आए अपने जीवन में, जिससे कि आपके सक्सेस में और भाग्योदय में भी आपको सपोर्ट करे। अगर कहूँ कि अगर आप एंड तक ये वीडियो देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, कि क्यों ऐसी क्या बातें हैं इन मिलेनियर्स के सिग्नेचर्स में जो आप भी अपने जीवन में ला सकते हैं। पर बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो और मुझे कमेंट्स में बताएं अपना सिग्नेचर करने के बाद कि ऐसी क्या गलतियां हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो आप करते हैं और आपको सच लगी। सबसे पहले करते हैं बात आज कि सिग्नेचर तो है आपका व्यक्तित्व का पूरा आईना। आपसे मिलने से पहले लोग आपका सिग्नेचर देखते हैं और आपके बारे में बहुत सी बातें जान जाते हैं। और जितना आप कोशिश करते हैं छुपाने की कि सिग्नेचर्स को सफाई से लिखें और क्लियर और स्पष्ट लिखें, उतनी बातें ज़्यादा पता चलती हैं, क्योंकि आमतौर पर तो आप इतना समय नहीं लगाते अपनी सिग्नेचर्स को लिखने में। तो पहले चलिए मान लेते हैं कि किसी का नाम है आमिर। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि अगर आप अपना सिग्नेचर लिखते हैं, मान लीजिए सिग्नेचर लिखा और यूं काट दिया। अगर आप भी ऐसा करते हैं कि आपने अपना नाम लिखा, सिग्नेचर लिखा और उसके बाद ही स्ट्राइक थ्रू, ये एक लाइन लेके आप काट देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जीवन में ये व्यक्ति नाखुश है और कहीं ना कहीं कोई बात इन्हें अंदर में डराती है या परेशान कर रही है, पर इनका अपने बारे में जो विचार है या सोच है कहीं ना कहीं उसमें क्लैरिटी भी नहीं है। और अगर आधे से काट दिया या अपने सिग्नेचर को ही काट दिया, तो एक चीज होती है कि आप पलट के आए, आपने अपनी कामयाबी में रुकावटें खुद लेकर के आए हैं, तो ये जीवन में भी ये प्रॉब्लम आपको दिखेगी। अब आज जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हो सकता है ये आपके साथ ना हो, लेकिन ये मैंने देखा है कि आम तौर पर होता है। अभी जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के साथ होता। अब दूसरी चीज, कुछ लोग सिग्नेचर करेंगे तो जैसे मैंने आपसे लास्ट एपिसोड में बताया कि आप जब सिग्नेचर करें, अपना पहला लेटर बड़ा अगर जो व्यक्ति लिखता है, फिर चाहे वो हिंदी में लिखें, उर्दू, फ्रेंच, चाइनीज, इंग्लिश, किसी में भी, आपका पहला लेटर जब ये कैपिटल होता है तो ये बताता है कि आप में कॉन्फिडेंस है, आप अपनी बात को स्पष्टता से कह पाते हैं, आपको खुद पर भरोसा है, यकीन है, और यही जिससे मिलते हैं आप वो भी आप में देखेगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लैंग्वेज में लिखते हैं, पर आपको लिखना पड़ेगा अपने सिग्नेचर का, ये है व्यक्तित्व। तो अगर आपका सिग्नेचर क्लियर नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको समझने में उससे प्रॉब्लम होगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, और आपको भी प्रॉब्लम होगी कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति समझता कुछ है। दूसरी चीज जो मैंने आमतौर पर देखा है, कुछ लोग सिग्नेचर करते हैं, मान लीजिए यहीं पे ये देखा आपने लूप नीचे गया, तो लास्ट का लेटर वो नीचे ले जाते हैं। जब नीचे ले जाते हैं तो उनकी प्रगति या ऊपर की ओर जाने की बजाय प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनके जीवन में डाउनवर्ड स्लोप हुआ। तो नीचे जाने का मतलब प्रगति रुक गई, कोई ना कोई परेशानी ऐसी आती है, कोई ना कोई कारण वो चाहते नहीं है, या तो सोच ऐसी हो जाती है या लोग ऐसे मिलते हैं जो उनको इतनी मदद नहीं कर पाते। और ये उनकी सिग्नेचर से, अगर ये स्लोप को यहां नीचे ले जाने की बजाय उन्हें ये करना है, ये स्लोप आप ऊपर ले जाएं। अब 45 डिग्री के एंगल पे नॉर्मली मैं बोलती हूं कि आप अपना लास्ट स्ट्रोक लेकर के जाएं, ये पहली चीज। अब आप में से बहुतों ने बोला कि मैम लाइन क्यों नहीं लगा सकते, या लाइन एक या दो,
मान लीजिए यहीं पे ये सिग्नेचर है आमिर का, ये देखिए स्ट्रोक मैंने ऊपर दिया। जब आप सिग्नेचर के नीचे लाइन लगाते हैं तो आधे में अगर लगाएंगे तो भी प्रॉब्लम करेगा। आप अपनी पूरी की पूरी सिग्नेचर के नीचे लाइन लगाएं तो इसका ये मतलब होता है कि आपको फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा, आपको ईश्वरीय सपोर्ट भी मिलेगा। पर कुछ लोग होते हैं दो लाइन लगा देंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी सिग्नेचर के नीचे दो लाइन लगा देता है ऐसे, तो ये उनकी भावुकता और मानसिक कमजोरी को दर्शाता है कि उनमें किसी न किसी बात को लेकर भय भी रहता है और थोड़े से कंजूस भी होते हैं। अब किसी ने आपकी सिग्नेचर में ये दो लाइन देखी लिखी हुई तो अगर उन्हें पता है वो समझ जाएंगे कोई ना कोई ऐसी बात है। आप बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब ये आमतौर पर मैंने देखा है, जरूरी नहीं कि आपके सिग्नेचर में हो। अब दूसरी चीज का यहां मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको एंड में मैं बोनस टिप देने वाली हूं कि कैसे आपके पैसे के बारे में भी आपका सिग्नेचर बताता है। तो आप जब सिग्नेचर लिखते हैं आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, हिंदी में है, फ्रेंच में है, उर्दू में है, चाइनीज में है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका पहला शब्द लेटर कैपिटल होना चाहिए। डाउनवर्ड स्लोप मत लेकर जाएं, अपनी सिग्नेचर को कट थ्रू मत करें स्ट्राइक से। और जब आप लाइन लगाते हैं दो ना लगाएं, ये प्रॉब्लम देता है। अब आप में से बहुतों ने बोला, बारी आती है डॉट की, कि मैम सिग्नेचर के नीचे डॉट क्यों नहीं लगाना चाहिए। अमिताभ बच्चन की सिग्नेचर में है, इंदिरा नुई की सिग्नेचर में है, तो क्या उन्हें कामयाबी नहीं मिली? डॉट पे बात आपको बताने वाली हूं। जब आप डॉट लिखते हैं, यहां पे आपने देखा आपके सिग्नेचर में आई जे के ऊपर भी डॉट आता है। जब आपके ये डॉट्स होते हैं क्लियर, तो ये आपके उद्देश्य को दिखाता है। और दूसरा डॉट आता है, कुछ व्यक्ति सिग्नेचर के नीचे डॉट लिखते हैं, कुछ व्यक्ति सिग्नेचर ऐसे करा उसके आगे डॉट लिख देते हैं या यूं एक डैश बना देते हैं। तो पहली चीज तो सिग्नेचर आपका कोई कॉपी ना करे, इसके लिए आप उसे थोड़ा सा आर्टिस्टिक बनाते हैं। कुछ लोग स्माइली बनाते हैं, तो आपने सामने वाले को मुस्कुराने की वजह दे दी पर उसने आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना, आपने स्माइली बना दिया। शौक के लिए आप बनाते हैं, लेकिन जब आप अपने सिग्नेचर में कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऐसा लय, कोई भी नया कैरेक्टर ले आते हैं तो आपकी सक्सेस से जुड़ा होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो आप सिग्नेचर में के अगर आगे ऐसे डॉट लेकर के आए, ये देखिए आप, अगर आप सिग्नेचर के आगे ऐसे एक डॉट लेकर के आते हैं तो ये बताता है कि व्यक्ति का फोकस होता है अपने काम की तरफ, वो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेगा। अब अगर आप ऐसे हैं जो काम को शुरू तो करते हैं उसको कंप्लीट नहीं करते, तब आप डॉट लगाएं तो आप देखेंगे कि आपका काम में फोकस बढ़ गया और आप अपने काम को पूरा करते हैं। परंतु जितना हो सके आप डॉट ना लगाएं। डॉट मतलब क्या, कि काम हो गया, फुल स्टॉप, दी एंड। तो भले ही आपका काम में फोकस रहता है, आप कामयाब भी हो सकते हैं, लेकिन काम हो गया है, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो अगर ये चाहे दो डॉट नीचे लगाएं आप, या अपनी सिग्नेचर के आगे यहीं पे आपने दो तीन डॉट लगा दिया टू बी कंटिन्यूड, या सिग्नेचर के नीचे आपने ऐसे दो डॉट लगा दिए है तो डॉट। तो जब भी आप अपनी सिग्नेचर पे डॉट लगाते हैं तो प्रॉब्लम ये देता है, वो ये कह देगा कि हो गया, फुल स्टॉप। अब बहुतों को कामयाबी मिली है। अब अगर डॉट का मतलब है रुकावट, डॉट का मतलब है कि काम हो गया, तो ये है सिग्नेचर, दो डॉट आ गए। अमिताभ बच्चन की सिग्नेचर में दो डॉट हैं, इंदिरा नुई की सिग्नेचर में है और ये बहुत इन्होंने कामयाबी हासिल की। अगर डॉट का मतलब रुकावट है, उसके बाद ये जो गैप आया है, अमिताभ बच्चन की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आई कि शायद वो बैंकक्रप्ट भी हो सकते थे, करियर से जुड़ी इतनी प्रॉब्लम आई, एंड देन ही बाउंस्ड बैक विद केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। डॉट मतलब रुकावट है, इतनी परेशानी आई कि आपको ये जो वक्त है वो परेशानी में गुजारना पड़ा और आपने फिर शुरुआत करी। अब कितने व्यक्ति हैं जीवन में जिन्होंने पूरी तरीके से उन बहुत कामयाबी मिली और रुक गए, बहुत प्रॉब्लम्स देखी, उसके बाद दे बाउंस्ड बैक। तो ये आप अपनी सिग्नेचर से इनवाइट करते हैं। शाहरुख खान की सिग्नेचर में भी है,
एक वक्त ऐसा था उनकी मूवीज हिट होती थी, और एक वक्त ऐसा आया कि वो इन्वेस्ट करते हैं, मूवीज इतनी हिट नहीं हो रही हैं। सिग्नेचर पे ध्यान दें, दिस इज द पीरियड, वो जब वक्त निकल जाएगा ही विल बाउंस बैक एंड टीवी इंडस्ट्री में ही विल डू अमेजिंग इफ ही स्टार्ट्स प्रोडक्शंस। बट ये आपके ऊपर है, क्या आप चाहते हैं इतनी परेशानियों को संभालना? अब कुछ परेशानियां फाइनेंशियली या पब्लिकली पता चलती हैं, कुछ लोगों के जीवन में सिर्फ आप उनकी कामयाबी के बारे में जानते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या परेशानियां आई नहीं पता चलता आपको। तो इंदिरा नूयी की सिग्नेचर में भी उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की, पर क्या कोई जानता है कि उनकी पर्सनल या इमोशनल स्पिरिचुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी? ये जनरली मैंने देखा है कि सिग्नेचर मतलब रुकावट, और अगर आप एक दो तीन डॉट भी लगाते हैं तो वो क्या बताएगा कि आप के काम में रुके, फिर आगे आप बढ़ते चले गए। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ये परेशानियां अपने जीवन में लानी है, फिर स्ट्रगल करना है, फिर बाउंस बैक करना है, या आप टोटली अवॉइड कर दें, सिग्नेचर्स ही ना लिखें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप सिग्नेचर में डॉट लिखते हैं, आपने देखा कि आपके कामों में परेशानियां आती हैं, आप काम शुरू करना चाहते हैं और होते होते रुक जाता है, और कुछ दिन बाद ठीक चलती है और फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी स्थिति में सिंपल डॉट्स हटा दें। और अब बोनस स्टेप, इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट, और इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बोनस टिप में शेयर करने वाली हूं कि आप अपनी सिग्नेचर से कैसे ये करें कि आपके पास कितना पैसा है, और अगर प्रॉब्लम होती है पैसे को संभालने में या आने में तो कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ मिलियनेयर सिग्नेचर्स भी, तो जुड़े रहिए। उसके पहले कमेंट में मुझे बताएं डॉट आपकी सिग्नेचर में है या किसी आपके परिवार के सदस्य की सिग्नेचर में है, तो आपने देखा उनके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, अचानक से चीजें ठीक होती हैं फिर अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब आ रही है मनी बैग्स। आपके नाम में आप कुछ भी ऐसा लिखें, जैसे मेरा नाम है, तो अगर आपने देखा कोई भी ऐसा लेटर जिसके नीचे ये लूप है, तो इन्हें बोलते हैं हैंडराइटिंग में मनी बैग्स। अगर आपकी आदत है आप ऐसा यू खुला छोड़ देते हैं, आपने वाई लिखा या जे लिखा, इसको लूप नहीं बनाया, तो ये बताएगा अगर आपने खुला छोड़ दिया कि व्यक्ति के पास पैसा आता है, क्लैरिटी नहीं है, पैसा टिकता नहीं है। और अगर आप इस बैग को ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो ये आपकी ईगो को दिखाएगा। ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल ये मनी बैग जो होते हैं वाई और जे का, वो नॉर्मल हो तो ये दर्शाता है आपके पैसे की कैपेबिलिटीज को, कि आप पैसा अर्न करते हैं, पैसे को संभाल सकते हैं, और बैलेंस्ड अप्रोच है आपकी लाइफ में पैसे से जुड़ी हुई, ना आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं कि वो ग्रीड हो गई, और इतनी कमी नहीं है कि आप हर वक्त परेशान रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप अपना सिग्नेचर करें तो ध्यान दें इन मनी बैग्स पे। अरब आप में से बहुतों के रिक्वेस्ट थे कि मैं आपको एग्जाम्पल्स देके बताऊं, तो अब आपके साथ शेयर कर रही हूं यहां पे मैं एग्जाम्पल्स। ये हैं फेमस सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल्स, और आपके साथ कहना चाहूंगी कि अगर आपको न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है तो करेंटली वी आर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए। लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि अगर आपको भी न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो यू कैन करेंटली ज्वाइन द प्री लॉन्च लिस्ट। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करने वाली हूं। अब मेरे पास हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं यहां। ये एग्जाम्पल है वॉरेन बफे का, दुनिया के कुछ चंद रईसों में से एक हैं। इनकी सिग्नेचर में आप देखें, पहला लेटर बड़ा है वॉरेन, इनका मिडिल नेम इतनी आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता, वॉरेन बफे। फर्स्ट लेटर क्लियर है, आर्टिस्टिक है, इमोशनल है। एफ ऊपर का इन्होंने पॉकेट क्लियर बनाया हुआ है। तो सिग्नेचर को अगर तीन हिस्सों में बांटें तो ऊपर का हिस्सा आपको बताता है आपकी मेंटल एनर्जी को, बीच का हिस्सा बताता है आपकी भावुकता को, मन की शक्ति को, और नीचे के लेटर्स बताते हैं आपके स्वाभाविक नेचर को। ये द सिग्नेचर ऑफ दिस मिलियनेयर। आप इनके सारे के सारे लेटर्स को क्लियर पढ़ सकते हैं। जो गैप आता है आपके पहले नाम और दूसरे नाम के बीच में, ये गैप बताता है कि इस व्यक्ति को पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। ये अपने पर्सनल जीवन को सबके साथ शेयर करना पसंद नहीं करते और बहुत सोच समझ के काम करते हैं, क्योंकि आप देखिए इनकी सिग्नेचर में ये लय है।
कटे नहीं हुए हैं, शब्द एक साथ चल रहे हैं। जनरली अगर क्लियर है एंड देन ही इज मूविंग, ए थोड़ा सा खुला छोड़ रखा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं टिल ही स्टार्ट्स टू ग्रो इन हिज करियर। और इन्होंने अपना जीवन बड़ी मेहनत से, और इन्होंने कामयाबी बड़ी मेहनत से हासिल करी है। अब ये है एग्जाम्पल मार्क ज़करबर्ग। मार्क ज़करबर्ग अपने नाम का एम लिखते हैं और ज़करबर्ग का लास्ट स्ट्रोक ऊपर ले गए। लास्ट स्ट्रोक ऊपर जाने से आपकी प्रगति को निरंतर बढ़ाता है। 45 डिग्री पे है। और ये मनी बैग, ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, क्लैरिटी है मार्क और ज़करबर्ग। तो ये अपनी पहचान स्वयं बनाएंगे और परिवार के साथ जुड़े हैं, इनको फैमिली पसंद है, पर इन्हें भी अपनी स्पेस चाहिए होती है। ये अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते और इन्होंने इनिशियल्स छोड़े हैं। दिखावट इन्हें पसंद नहीं है। परिवार, लास्ट नेम, और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये अब ये एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओपरा विनफ्री। अब आप देखें इनका ओ बहुत ही आर्टिस्टिक है। आपके सिग्नेचर से पता चलता है कि आप पर आपका कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ रहा है, किस स्थान में हो सकता है आपकी कुंडली में वो ग्रह। इनका ओ देखिए, ओपरा बहुत क्रिएटिव हैं, आर्टिस्टिक हैं, अपनी पहचान खुद से बनाने वाली हैं ये। विनफ्री में देखिए डब्ल्यू। अब ये देखिए आय का डॉट ऊपर गया हुआ है, तो इन्होंने अपने गोल अनरियलिस्टिक बनाए, लेकिन निरंतर अग्रसर रही तो वो गोल होता है ना कि आप ऊपर फेंक रहे तो आप हासिल करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने आप को बांध के रखा, लय है, तो इनको फोकस क्लियर था, निरंतर प्रगति थी। अब ये देखिए इनका मनी बैग, इन्हें पता है पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये लास्ट स्ट्रोक पीछे आया है। पीछे आने के मतलब ये पास्ट से जुड़ी रहेंगी, इनके मन में जो विचार या अपना अतीत जो है उन्हें सिखाएगा भी, उससे वो आगे जाएंगी। ये स्ट्रोक ऊपर नहीं गया है। पर दीज आर द मिलेनियर सिग्नेचर्स। कुछ स्ट्रोक, कुछ बातें उनमें अच्छी हैं, तो जब आप अपना सिग्नेचर करें, आप भी बनाने की चेष्टा करें कि आपने सिग्नेचर्स में ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या सुधार ला सकते हैं। पर सिग्नेचर में सुधार जब लाएं तो उसका उद्देश्य क्या है, इस बात का ध्यान रखें कि आप जीवन में अगर आपको फोकस चाहिए तो क्या करना चाहिए। और अगर पैसे खर्च करने की आदत है तो देखें कहीं मनी बैग तो खुले नहीं छोड़ रखे। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, तो जिन तक ये बात पहुँचनी है उन तक भी पहुँचे।